वेलकम बैक इन अनदर वीडियो का। तो कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट में। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश के टॉप मोस्ट व्यूज क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ठीक है, आप इस वीडियो को देखना जिसमें आपको लॉजिक के साथ क्वेश्चन समझाए जाएंगे, जिससे आपके अदर क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और इस टाइप का आपका पेपर आने की संभावना है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ क्लास की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम। सिनोनिम वह होता है जो सेम शब्द होता है, मतलब जिसका अर्थ सेम होता है। शब्द है गर्निस। गर्निस का मतलब होता है आभूषण या फिर सजावटी चीज, समझ रहे हो। इसमें डेकोरेट ले सकते हो आप, इसका डेकोरेट का मतलब भी होता है सजाना, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, सिनोनिम सेम शब्द होता है जो इसका अर्थ सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। हिंदी में आपने सुना होगा विलोम शब्द, अपोजिट शब्द को विलोम शब्द बोला जाता है। तो आपके पास शब्द हैं विजिलेंट। विजिलेंट का अर्थ होता है गाइस जागरूक। तो जागरूक का अपोजिट आप क्या देंगे, विजिलेंट का अर्थ होगा जागरूक। जागरूक केयरफुल तो जागरूक ही होता है, कैशन भी जागरूक होता है, टेंशन भी जागरूक, अनअवेयर मतलब अजागरूक, जो जागरूक नहीं हो, तो इसका विलोम शब्द होगा अनअवेयर, ठीक है गाइस। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है एडियम्स। ये भी मतलब सिनोनिम के टाइप का ही होता है। इसको मतलब कट एज सॉरी फिगर। कट एज सॉरी फिगर का मतलब होता है खेदजनक आंकड़ा, ठीक है। मतलब आपका मतलब जैसे रिजल्ट आया और आप उंगलियां काट रहे हैं इस टाइप से, तो इसे हम बोल सकते हैं क्रिएट ए पुअर इम्प्रेशन। मतलब आपने कुछ अच्छा नहीं किया इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है एडियम्स। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। करेक्ट स्पेल्ड मतलब स्पेलिंग सही चुनना है। इसमें आपको एम्प्लॉयड की स्पेलिंग तो गलत दिख रही है। ई एम पी एल ओ वाई ई आता, ई आता है यहाँ पे, और बिटरमेंट बी ई टी टी ई आर बेटरमेंट होता, ये भी गलत है। एफिशिएंट सही है, ट्रीटमेंट गलत है। तो इसका आंसर हो गया एफिशिएंट, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर किप्ट। वह स्थान जहाँ पर पक्षियाँ रहती है उसे क्या कहते हैं, उसे आवायरी कहते हैं गाइस। घोंसले को आवायरी कहते हैं। नेक्स्ट इसका वो मतलब वो सिनोनिम होता है, इसे पक्षी साल भी कहा जाता है, पक्षी साल जहाँ पर पक्षियाँ रहती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा छठा क्वेश्चन है मोहनवाज वेरी रिचर द। इसमें हमको एरर ढूंढना है। मोहनवाज वेरी रिचर देन अमन एज ही हैड करेक्टली एज ही हैड इलिसिटली एक्यूमुलेटेड ऑल हिज वेल्थ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ये वेरी नहीं आएगा गाइस यहाँ पे, क्या हो रहा है एक मिनट, यहाँ पे वेरी नहीं आएगा, ये बी में आपका एरर है, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सात नंबर क्वेश्चन अपना है श्रेया डिस्ट्रीब्यूट मी ए लॉट व्हेन आई डैश 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 ऑन द फोन। मतलब ये टेंस का क्वेश्चन है, इसका आपको रूल में नोट्स में प्रोवाइड किया गया होगा। तो इसका आंसर होगा वास्ट टाकिंग, क्योंकि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस आ रहेगा, तो इसके बाद पास्ट कंटिन्यू टेंस आएगा, ठीक है। ये रूल मैंने आपको पहले पीडीएफ में दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन माई फादर ओपन एम्पलीफाइड द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। इसमें मतलब यहाँ पे आपको डैश डैश की जगह प्रीपोजिशन पढ़ना है, और यहाँ पे आर्टिकल आ रखा है, तो आर्टिकल आ रखा है तो इसके आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल के आगे प्रीपोजिशन नहीं आता, ये रूल है, ठीक है गाइस। तो नो प्रीपोजिशन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश 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 गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। तो गोल्ड के आगे तो आर्टिकल आएगा नहीं, क्योंकि ये वो प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता, नहीं प्रॉपर नाउन क्या है, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का भी आर्टिकल नहीं लेता, और प्रीसियस मेटल ये प्रॉपर नाउन है, तो ये आर्टिकल लेगा, इसलिए नो आर्टिकल और ए आएगा, ठीक है। ये आपको मैंने रूल पहले वीडियो में बता दिया है। वर्ब फ्रॉम एम्पेटिक। एम्पेटिक का वर्ब क्या होगा, तो एम्पेटिक का वर्ब आपने सुना होगा एम्फेसाइज होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल सक्सीड इफ, तुम सक्सेस होगे मतलब सफल होगे यदि, यदि आएगा, यदि का अर्थ होता है मतलब इफ, तो इसका आंसर हो गया इफ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट वी टॉक रेस्पेक्टफुली टू अदर्स, ठीक है। हमें क्या करनी चाहिए, मतलब बात करनी चाहिए रेस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, जो करनी चाहिए के लिए शुड, हम शुड यूज़ करेंगे गाइस।
कैन नहीं कर सकते, कैन का आंसर इतना होता है वुड बी विल बी डू और कुड नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा शुड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है पी क्यू आर एस का, जो कि पी में आपको सेंटेंस सही करना होता है, पी क्यू आर एस में मतलब कि चार दिए होते हैं पी क्यू आर एस, आपको सही सेंटेंस बनाना है। देखो देख दस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब दस मिनट द कस्टमर थ्रो जावे, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो आपके आंसर में देख लो आर से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, आर से दो स्टार्ट हो रहे हैं, आर एस पी क्यू, इसका आंसर होगा आर एस पी क्यू। ठीक है, वो नहीं होगा क्योंकि एस बराबर है प्रोडक्ट डेट और क्यू 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 लास्ट में आएगा, ये ऑब्जेक्ट है द बेटर ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसलिए आपका आंसर सी होगा आर एस पी क्यू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है गाइस। इसमें देखिए आपका पैसिव वॉइस दे रखा है द किंग गेव हिम ए रिवार्ड, तो पैसिव वॉइस का आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करा रखा है ऑलरेडी, जो पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है मेरे नोट्स की, उसमें आपको बताया गया होगा कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हिम ऑब्जेक्ट है, तो ही आएगा सब्जेक्ट में क्योंकि तीनों में। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। टेंस दे रखा है पास्ट सिंपल, तो पास्ट कंटिन्यू टेंस भी तीनों में सही है, ये वाक्य तो गलत हो गया, मतलब गलत इसको तो देखो ही मत क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट सही गलत हो गया। और थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, यहाँ तक सही है। ठीक है, अब आएगा आपका ये और पीछे का सेंटेंस जो है गिवन ए रिवार्ड बाई बाई द किंग, ये वाला सेंटेंस आपका सही है, ये गलत है क्योंकि इसमें दे एक्स्ट्रा यूज कर लिया, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन अपना है सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ एडियम्स ऑड्स एंड एंड्स एज यूज्ड इन द पैकेज, इसका सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। ऑड्स एंड एंड्स का मतलब होता है मतलब डिफरेंट चीज़, डिफरेंट जो सबसे अलग हो, ऑड्स ऑड हो मतलब, तो मतलब रेयर आइटम है डिफरेंट टाइप, यहाँ पे देखो ये गलत है, रेयर तो नहीं होगा, रेयर मतलब अलग हो जाता है पूरे, उससे अलग होना गलत है। प्रीशियस आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये भी गलत है। लॉस्ट आइटम्स ऑफ, ये भी गलत है। वेरियस मतलब इसका अर्थ होगा ऑड्स एंड एंड्स। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ पेपर वर कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट बाई राव, ये पैसेज का क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ दीजिए, आपने पैसेज मैंने डाला नहीं है, ये क्वेश्चन आपके किसी काम का नहीं है, वैसे इसका आंसर होगा टाइटल डायरीज पर आया आपका काम करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं द मोस्ट स्टेक्ड, स्टेक्ड का मतलब बताना है आपको, स्टेक्ड मतलब होता है खड़ा, खड़ा मतलब कोई खड़ी चीज़ हो उसे स्टेक्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आपका होगा, तो स्टेक्ड का आपका पाइल्ड होगा, पाइल्ड एन होता है नुकीला। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ डिड राव, ये भी पैसेज का क्वेश्चन है गाइस, जो आपके काम का क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर होगा बाय स्टेकिंग, जो आपके काम का नहीं है, ये वाला आंसर है इसका। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा सिमिलर वर्ड इन द एक्सेस, एक्सेस का सिमिलर वर्ड हमें ढूंढना है। एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है पहुँच, जो एक्सेस उसे बोलता है पहुँच को, जिसे हम एबल कर सकें। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा, इसमें हमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू बी एबल टू डिस्क्रीज समथिंग, इंक्रीज समथिंग, ऑप्टेन समथिंग, एक्सेस मतलब कि ऑप्टेन करना, ऑप्टेन करना होता है एक्सेस। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है नरेशन का, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी, तो उसमें इस रूल को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है सी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल लास, तो सी सेड लिख रखा है व्हाट मतलब तारीफ कर रहा है, ई एक्सक्लेम्ड मतलब तारीफ करना, ई एक्सक्लेम्ड डेट, दो सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड है, चारों में एक्सक्लेम्ड दे रखा है, ई एक्सक्लेम्ड डेट। ठीक है, इसके बाद रूल में लिखा हुआ था कि सेम का सेम सेंटेंस वापस लिख देना है, व्हाट ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सी है, तो सी पहले वापस लिखोगे, डेट के बाद सी आएगा। ठीक है, सी आएगा, सी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल लास, मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट कंटिन्यू टेंस आएगा, तो वाज आएगा, सी वाज ए ब्यूटीफुल लास, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।